अब सपोज किसी एक क्वेश्चन में तुमने ये तीन जर्नल एंट्रीज पास करी है, ठीक है, तुम्हें एक क्वेश्चन आया सपोज 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का, जिसमें तुम्हें 3 ट्रांजेक्शन दी थी, जिसमें उसने बिजनेस स्टार्ट करा, कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो तुमने जर्नल एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड ट्रांजेक्शन थी पेड रेंट, ठीक है, ₹20,000, तो तुम्हारी जर्नल एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है तुम्हें लिखा था रिसीव्ड कमीशन फॉर 15,000, सो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको लेजर्स भी बनाने थे और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी थी। सबसे पहली चीज, जो आपके लेजर्स हैं उनका बेस जर्नल्स है, ठीक है, आप विदाउट जर्नल्स लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आपके पास जर्नल्स होने चाहिए। आपके पास जर्नल्स होंगे देन यू विल बी एबल टू पुट दैट इन टू द लेजर्स, ठीक है, तब आप लेजर अकाउंट में डाल सकते हो। ओके, तो ये 3 ट्रांजेक्शन हुई। अब मैं तुम्हें यहीं से एक चीज पहले बताती हूँ, अकाउंट्स बनाने से पहले तुम्हें कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो एक आपका बन रहा है कैश अकाउंट, एक आपका बन रहा है कैपिटल अकाउंट, सो आपने एक कैश अकाउंट खोलना है, एक कैपिटल अकाउंट खोलना है, ठीक है, पूरा फॉर्मेट के साथ। सेकेंड ट्रांजेक्शन थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी 2 अकाउंट्स हैं, रेंट और कैश, लेकिन कैश में ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो दोबारा अकाउंट मत बना देना, ठीक है। सो एक तीसरा अकाउंट जो आपका बना वो था रेंट, कैश ऑलरेडी खुला हुआ था, ये वाली कैश की पोस्टिंग आप सीधा वहीं पे कर दोगे। तीसरा है कैश टू कमीशन रिसीव्ड, अगेन यहाँ पे 2 अकाउंट्स है, कैश और कमीशन रिसीव्ड, तो कैश का अकाउंट आप ऑलरेडी खोल चुके हो, वो आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपको जो अकाउंट खोलना है वो है कमीशन रिसीव। सो इन 3 जर्नल एंट्रीज और 3 ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट खुल रहे हैं, कैश, कैपिटल, रेंट और कमीशन रिसीव, 4 लेजर्स यू हैव टू फॉर्म। तो आप 4 लेजर्स बनाओ, एक कैश, एक कैपिटल, एक रेंट, एक कमीशन रिसीव, प्रॉपर फॉर्मेट्स बना हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ टी शेप डेबिट क्रेडिट बना देती हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड देन वी विल स्टार्ट पोस्टिंग इट। अब आपके पास ये जर्नल्स होंगे, मैं इसकी सीधा लेजर पोस्टिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे छोटे छोटे 4 लेजर्स बना रही हूँ, ठीक है, स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से। एक आपका बना कैश अकाउंट, एक आपका बना कैपिटल अकाउंट, एक आपका बना रेंट अकाउंट, एक आपका बना कमीशन रिसीव अकाउंट। आपके जो फॉर्मेट्स होते हैं अकाउंट्स के, लेजर्स के, दे आर ऑलवेज इन द टी शेप, है ना, बट हम इतने प्रिसाइज नहीं बनाते, डेट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा फॉर्मेट बनाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड कंस्ट्रेंट। अब मैंने चारों यहीं पे बना दिया, आप प्रॉपर उसको फॉर्मेट से बनाओ। बोलो मैम, इसमें मतलब ज्यादा बड़े बनाने की तो नहीं जरूरत ना? ज्यादा बड़ी क्या, तुमने नॉर्मल, तुम्हारी स्पेस आनी चाहिए। नहीं, जैसे जो लाइन तो पूरे पेज पे मार दिए, एक जो जहां पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जो नीचे कॉलम्स बनाने, वो ज्यादा बड़े बनाने की तो नहीं जरूरत? वो बड़े बनाने की, अभी अभी बड़े बनाने की, हां 3-4 लाइंस, ठीक है। सो पहला क्या था आपका, कैश अकाउंट, पहली ट्रांजैक्शन जो थी आपकी जर्नल एंट्री, दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ध्यान से देखो जर्नल एंट्री, कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो कैश अकाउंट के किस साइड पोस्टिंग होगी, डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, योर लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने पोस्टिंग करनी है। क्या पोस्ट करोगे आप, कैश डेबिट हो रहा है किससे, टू कैपिटल, तो यहां आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, ओके। अब इसी में एंट्री कहती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश डेबिट हुआ टू कैपिटल से। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, किससे क्रेडिट हो रहा था, कैश से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय कैश, क्रेडिट साइड आप लिखो बाय कैश अकाउंट वैल्यू हो गई 1 लाख, ठीक है।
सेकेंड एंट्री देखो आपकी क्या थी, सेकेंड जर्नल एंट्री आपकी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, वहां पे आपका रेंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या पुट करेंगे, टू कैश अकाउंट, क्या वैल्यू थी 20,000, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आपका हो रहा था क्रेडिट, ठीक है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी, तो क्या पोस्टिंग होगी, बाय रेंट अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है किससे, रेंट से, तो आप लिखोगे बाय रेंट अकाउंट कितना 20,000, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब तीसरी जो जर्नल एंट्री थी आपकी वो थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, अब वहां पर आपका कैश अगेन डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो आपके डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, क्या होगी, टू कमीशन रिसीव्ड, तो आप यहां लिखोगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्या वैल्यू थी 15,000, ठीक है, और कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा था तो आप उसके क्रेडिट साइड क्या डालोगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितनी वैल्यू 15,000, ठीक है, सो ये चार अकाउंट्स आपके बने, ये चार अकाउंट्स बने और ये ऐसे इनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, अभी इनकी बैलेंसिंग मैं बाद में समझाऊंगी, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग दो चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ आपको पोस्टिंग सिखाई है, तो क्लियर है आपको पोस्टिंग, अब आप?